सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडर स्किल्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इंडिया के वो बेस्ट 10 स्टॉक्स जहां पे आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड देखने को मिल सकता है। मतलब शेयर की ग्रोथ तो हो ही रही है टाइम टू टाइम, बट आपको जो डिविडेंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलने वाला है। और डिविडेंड कितना मिलने वाला है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला शेयर है टपारे टूल्स। आप ये रियल है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूँ, ये रियल है। अगर आप सोर्स चेक करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं forbesindia.com की साइट पे। आपको रियल में इसलिए बोला क्योंकि 1111% बहुत ही मतलब रेयर ही होता है कि कोई इतना ज़्यादा दे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब टपारे टूल्स अगर वर्ल्ड लिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको नंबर वन की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड टीवी टुडे नेटवर्क, थर्ड है वेदांता, स्वास्तिक, नर्मदा, हिंदुस्तान जिंक, चेंजिंग सोल्यूशन एंड बंसाली इंजीनियरिंग, देन IRB एंड आफ्टर दैट ILFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड। तो ये आप बेसिकली इनके रिटर्न्स देख सकते हैं, ये डिविडेंड ये देते हैं रेगुलरली ईयरली बेसिस पे। और अब देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स में से मतलब जिस भी स्टॉक में आपको बाय करना होगा, ठीक है, ताकि आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिल सके, तो बेसिकली थोड़ा फंडामेंटल समझने की भी कोशिश करेंगे उनके, क्योंकि इन्वेस्टिंग पर्पज से वो शेयर है सही हैं या फिर नहीं है। तो आ जाता है हमारी नेक्स्ट उसमें, तो वहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि कौन से वो रेशियोज़ हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन पे। पहला जो हमारा रेशियो का वो होगा पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू इक्विटी रेशियो। सेकंड है अर्निंग पर रेशियो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। एंड थर्ड आ जाता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। फोर्थ हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। एंड फिफ्थ है प्रमोटर्स होल्डिंग। अब फ्रेंड्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे जो रेशियोज इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपके लिए लेके आ गया हूँ, ठीक है। और इसमें से आप इनको रैंकिंग वाइज देख सकते हैं कौन सा आपको पहले चुनना है। प्रमोटर होल्डिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर प्राइस टू इक्विटी की मैं बात कर लूँ, अर्निंग पर शेयर, डेट टू इक्विटी, और कुछ और रेशियोज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ हो गया और CAGR हो गया। तो ये सारे रेशियोज़ भी मीनिंग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी दिख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको इनकी मिल जाएगी। ये बेसिकली आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हर उसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम देखेंगे कौन से वो एक्चुअली शेयर्स हैं, क्या उनके फंडामेंटल्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो पहला फ्रेंड्स हमारा जो टूल है यहाँ पे, या फिर पहला हमारा जो शेयर है वो है टपारे टूल्स। अभी के लिए अगर मैं बोलूँ इसमें तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, और यही हमारा वैसे एक्चुअली नंबर वन पे था, बट ठीक है, बाकी जितने भी हमारे शेयर्स हैं सब पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैं बेसिकली आपके लिए इसलिए लेके आया था क्योंकि कभी भी अगर आपको ये शेयर बाय करने का मौका मिले तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना यार। अराउंड देखो आप इसको 2.79 रुपये का ये शेयर है, मतलब ठीक है 2.80 रुपये का शेयर मान के चल लेते हैं। और अगर मैं पिछले डिविडेंड की शेयर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि 77 रुपये का पिछला इसने डिविडेंड दिया है। प्राइस टू इक्विटी की अगर मैं बात करूं अराउंड आपको 1 रुपये, तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आपको सिर्फ 6 पैसा लगाना पड़ेगा शेयर में, इतना ज्यादा अच्छा शेयर यहां पे पैसा बना के दे रहा है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ टाइम टू टाइम हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर का अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड जो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंटरप्राइज वैल्यू ठीक है थोड़ी घटी है क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा कि शेयर की जो हमारी वैल्यू है वो टाइम टू टाइम थोड़ी घटते जा रही है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने ये शेयर देखा था तो अराउंड 8.5 रुपये के आसपास ये शेयर था, एंड वापस अगर आप देख सकते हो तो 3 रुपये पे। बट मेन चीज़ इस शेयर की है कि आपको डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस शेयर में देखने को मिल जाता है, और जब भी आपको शेयर में ट्रेड करने का मौका मिले आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, और एक बार आप कंसल्टेंट से वैसे पूछ सकते हैं। बाकी डिविडेंड वाइज तो ये शेयर भर भर के डिविडेंड देता है गाइस। नेक्स्ट हमारा टीवी टुडे नेटवर्क, ये देख लेते हैं शेयर अभी करंटली अगर मैं बात करूं इसको तो आप देख सकते हैं अराउंड हमारा 200 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, 202 रुपये पे करंटली शेयर चल रहा है। आप देख सकते हो अराउंड 5% शेयर ने रैली किया पिछले दिन हमारा फ्राइडे को अराउंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस टू इक्विटी रेशियो आप इसका चेक कर सकते हो, ठीक है। पीवी रेशियो देख सकते हो इसका। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो अराउंड 34% का आपको डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, या आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड ईयरली बेसिस पे ये लिखा दिया हुआ होता है। और ये जो सोर्स है इस साइट का वो आप वहाँ पे डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो, ठीक है, एंड आपको बाकी फाइनेंशियल्स की डिटेल भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो सोर्स है फ्रेंड हमारा इसका ticker.finology.in। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं तो वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता की अगर मैं बात करूं पिछले 1 या फिर 2 साल या फिर पिछले 3 साल का अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है शेयर हमारा बेयरिश मोड में है। मतलब अगर मैं देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप बोल सकते हो कि शेयर को कहीं ना कहीं शेयर हमारा बेयरिश है। बट वहीं अगर डिविडेंड की बात करें फ्रेंड्स तो डिविडेंड काफ़ी कंपनी अच्छा देती है, 43.71% का डिविडेंड ईयरली बेसिस पे दे रही है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी शेयर का कम है, शेयर स्प्लिट होने की बात हो रही थी तो शेयर का स्प्लिट भी होना है अभी, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ठीक करी है, बट हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा भी प्राइस में वो चीज़ नहीं दिख रही है, प्राइस एक्शन थोड़ा इसका बेयरिश है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट शेयर पे आ जाता है वो है हमारा स्वास्तिक सेफ डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस शेयर की अगर
यहाँ पे बात करें तो अराउंड 7.5 रुपये का शेयर है, 13.5% का आपको अराउंड इसमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है ईयरली बेसिस पे। पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, और अगर आप पेनी स्टॉक्स में सोच रहे हैं, मतलब अगर आपका बेसिकली पोर्टफोलियो है, तो आप अराउंड 10-20% आप पेनी स्टॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा पेनी स्टॉक कब चमक जाए कोई बता नहीं सकता। और बाकी प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 170% का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट शेयर पे आ जाते हैं हमारे, वह है हमारा नर्मदा, नर्मदा गैलेटाइंस लिमिटेड। तो नर्मदा गैलेटाइंस लिमिटेड को भी देख लेते हैं, अराउंड 430 रुपये का हमारा शेयर चल रहा है, पिछले एक दिन में 1% की ग्रोथ भी दिखाया है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 23.5% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल जाता है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शेयर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वहीं प्राइस टू इक्विटी बात करें तो प्राइस टू इक्विटी भी इस शेयर का ठीक है, अराउंड 15 रुपये आपको लगाना पड़ता है 1 रुपये कमाने के लिए शेयर में। तो बेसिकली अगर क्या है कि आप 15,000 रुपये लगा रहे हैं, तो आपको ईयरली बेसिस पर आपको 1,000 रुपये का रिटर्न बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। अगला आ जाता है हमारा, तो अगला है फ्रेंड्स हमारा हिंदुस्तान जिंक। डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक भी है, गवर्नमेंट कंपनी है हमारी बेसिकली हिंदुस्तान लिमिटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस टू इक्विटी की रेशियो बात करें तो अराउंड 15 के आसपास हमारा चल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड देखें तो 25% का आपको ईयरली बेसिस में मिल जाता है, मतलब अगर आप 100 रुपये बेसिकली स्टॉक पे लगा रहे हो तो 25 रुपये तो आप सिर्फ ईयरली बेसिस पे डिविडेंड से ही कमा लोगे। वहीं अगर इस शेयर के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अराउंड 45% के आसपास है, मतलब शेयर टाइम टू टाइम ग्रोथ दे रहा है, ये चीज़ भी है इसकी। अगर 52 वीक का लो बताए तो 286 का है करंटली शेयर, अभी 299 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, मतलब शेयर अभी थोड़ा सा नीचे तो आया है, 52 वीक का हाई लगा इसका 383 का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, तो वो आप देख लेते हैं, वो है हमारा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। शेयर की बात करें तो 93.80 रुपये का शेयर अभी करंटली चल रहा है। पी रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, 5.82 है ओनली। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, आप अगर 6 रुपये लगा रहे हो तो आपको 1 रुपये तो बहुत ईजिली यहाँ पे कमते हुए दिख जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें डिविडेंड अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस साल अभी तक कंपनी ने इस शेयर में डिविडेंड नहीं दिया है। वो डिविडेंड क्यों नहीं दिया है वो भी अगर देख लेते हैं, तो इसके अगर हम पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो वहाँ पे कंपनी को एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अभी हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। बट कंपनी अगर इसके पास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखे तो वहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें डिविडेंड देते हुए दिख रही थी। नेक्स्ट शेयर पर आ जाते हैं हमारे, वो है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। शेयर चल रहा है 87.80 रुपये पे। प्राइस टू इक्विटी रेशियो इसका 14.99 का। पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो, दैट इज वो है हमारा 2.45। वहीं अगर देखें तो प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 57% की इस पर प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर्स को बेसिकली हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको कंपनी पर भरोसा है, ठीक है। और डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो अराउंड 13% का आपको डिविडेंड यील्ड इसमें दिख जाता है ईयरली बेसिस पे। नेक्स्ट शेयर पे आ जाता है हमारा, वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। शेयर हमारा 34.5 रुपये का, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में इतना नहीं है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अराउंड शेयर 10% के आसपास डिविडेंड आपको रेगुलरली दे देता है। प्रॉफिट ग्रोथ शेयर की 16.5% है, सेल्स ग्रोथ हुई है 60% के आसपास। वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो थोड़ी कम है, अराउंड 35% के आसपास। नेक्स्ट शेयर हमारा ILFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड। तो वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 50% की है, प्राइस टू इक्विटी अराउंड 11.17% के आसपास हमारा, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी अराउंड आपको 9% के आसपास दिख जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात करें तो वहाँ पे 92% की प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शेयर में अच्छा है, और शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रहा है, और शेयर की प्राइस है 8.80 रुपये। और ये था फ्रेंड्स आज का हमारा क्लोज, यहीं पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। और इनमें से फ्रेंड्स आपको कौन सा शेयर ज़्यादा पसंद है, आप वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको इन शेयर्स में से जो भी पसंद आ रहा होगा, अगर आप उसके टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर शेयर पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहां पे हम उनके कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि क्या शेयर खरीदने का सही वक्त है या नहीं, कितना शेयर के टारगेट हो सकते हैं, कितने टाइम में ये टारगेट्स आएंगे, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी शेयर के बारे में जानना हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।